खबर मेरठ से है, जहां मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार इलाके में हाल ही में खोले गए शराब के ठेके को लेकर कॉलोनी के सैकड़ों महिलाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शराब के ठेके को लेकर कई दिनों से लोग विरोध कर रहे थे, बावजूद इसके ठेके को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। प्रशासन के रवैये से नाराज लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब के ठेके की वजह से उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द शराब के ठेके को उनके कॉलोनी से हटवाए। भैया यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे बराबर में कोचिंग है, लोग बाग रहते हैं, सब लोग आते हैं निकलते हैं, और यहाँ पे ये लोग शराब का ठेका खोल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में हैं। आश्रम है, मंदिर है। तो क्या मांगे, क्या आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि यहाँ से शराब का ठेका हटे, यहाँ नहीं खुलना चाहिए, कहीं और खोलिए जाके। चीज को लेकर आपने किसी से शिकायत की है शराब के ठेके को लेकर? इतने सब लोग इकट्ठे हुए हैं, अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे, सबसे शिकायत ही हो रही है अधिकारियों का। अधिकारी ये देखिए बात कर रहे हैं, अभी अभी तो पता नहीं वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं तो आप क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।